वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो रोड में है एंड अब खेत की तरफ जा रहे हैं। चला जाए। खेतों में सरसों ही सरसों लगी हुई है इस टाइम पर। सरसों का सीजन चल रहा है तो फूल निकल आए सभी में। किधर है, किस जगह पर ट्रैक्टर खड़ा है देखना पड़ेगा। एक्चुअली पैरा के लिए जाना पड़ रहा है, सब देखना पड़ेगा किस जगह पर ट्रैक्टर खड़ा है। ये रास्ते से पूरे उसमें मोगरे के पेड़ लगे हुए। कहाँ बंडा भाई, कहाँ निकल गए, कहाँ जा तू, घर जा रहे? पूरे उसमें भिड़ी भिड़ी क्या हुआ? अरे नहीं पहचान पाए। अरे यार पास में आना पड़ेगा लग रहा। आप पहचाना? पहचान गए? छोटे वाले? छोटे वाले। चश्मा लगा रहा तो नहीं पहचान पाया। अच्छा, चश्मा तो बहुत टाइम से लगा हुआ। सो अब चला जाए, देखा जाए ट्रैक्टर किधर है। मालूम नहीं किस साइड पर लद रहा है। चला जाए इस साइड पर, ट्राली खड़ी होगी। सो पहले तो रस्सी लिया जाए एंड वहां पर जो ट्राली में लद रहा है चारा उसको बांधने के लिए। ये खेत सारे के सारे अब इनफैक्ट इसको भी जोत दिया गया इधर भी एंड अब इसमें बिया छिड़का जाएगा। सो गेहूं अब बोने का टाइम है। सो अब गेहूं बोया जाएगा इनमें। मतलब देखा जाए यहाँ पर ट्यूबवेल में है कि नहीं है रस्सी। ट्यूबवेल में तो रस्सी नहीं मिली। सो अभी यहाँ से चलते हैं ट्राली की तरफ, वहां पर देखते हैं उसमें बोर्ड लाइन की रखी है रस्सी। सरसों ही लगी हुई है पूरे खेत में एंड इसके जस्ट बगल वाला खेत जो है जोता गया। फाइनली ट्रैक्टर के सामने आ गए। सो अभी यहाँ से रस्सी लिया जाए और चला जाए। इस सब गन्ना कटा हुआ रखा हुआ है जाने के लिए भट्टी में गुड़ बनने के लिए। सो इसी ट्रैक्टर में लद करके जाता है। अभी तो मेरे को नीड है रस्सी की, तो रस्सी लेकर के चला जाए। रस्सी को लेकर के यहाँ से चला जाए जाए। ये ट्रैक्टर के पास तो आ ही गए, तो आ गए। इनफैक्ट ये लोड हो गया है। यहाँ का फाइनली चारा भी लद गया। सो अब यहाँ से चला जाए। सो ये जा रहा है ट्रैक्टर लद करके। Be the light.